भारताची 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाई काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतो. पाक व्याप्त काश्मीर त्यांच्या ताब्यात आहे, तो कधी ना कधी भारताने घेतला पाहिजे, तरच ही समस्या सुटेल. तेव्हा मोदीजींनी सांगितलं होतं, भैया ये आपी का काम है, आपसे नहीं हुआ इसलिए हम कर रहे. हे नरसिंहराव एवढे धूर्त होते, तेही अमितभाईंसारखे चाणक्य होते, त्यांनी सुद्धा देशाचा विचार करून हा कायदा जॉईंट पार्लमेंट सेशनमध्ये पास केला. आता बघूया आपण, वाट बघू, कदाचित 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाई काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात. म्हणून कांदे बटाटे तुरडाल मुगडाल याच्यातून बाहेर आपण आलं पाहिजे. कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए. ये पुलिस इंतजामिया ने हमारा घर सील कर दिया है. मैं यहाँ पे अपने हैसियत से, इस हैसियत से मैं ऐलान करता हूँ, मैं ये ऐलान करता हूँ कि फौरी तौर पे कमिश्नर मुजफ्फराबाद, कुछ भी हुआ ये बच्चे मेरे बैठे हुए हैं, ठीक है. मैं खुद सौदी करने जा रहा हूँ, कमिश्नर मुजफ्फराबाद, तहसीलदार मुजफ्फराबाद जिम्मेदार है, या मैं फिल फोर हमारा घर खोलें और रिकॉर्ड की दुरुस्ती करें, अदरवाइज हमें हिंदुस्तान इंडिया से तलब मदद करते हैं, हम मोदी से मदद तलब कर रहे हैं कि आओ और इनको सीधा करो, ये रकबे तुम्हारे हैं मोदी, ये सिखों के गैर मुस्लिमों के रकबे हैं, किसी के बाप के नहीं है, किसी की माँ को जहेज में नहीं मिले हुए, ठीक है, ना पुलिस के ना किसी और के, गैर मुस्लिमों के रकबे, गैर मुस्लिम आए. हम अपील करते हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कि खुदारा नरेंद्र मोदी आओ और इस जुल्म से यहाँ निजात दिलाओ लोगों को, जहाँ तुम्हारे रकबे तुम्हारे विरासत में रकबे मिले हुए ये लोगों को आके बदमाशी करते हैं, ठीक है. आज इन्होंने हमें बेदखल किया है, इस वक्त मेरे बच्चों को घर से निकाला है, बरसती बारिश में मैं रोड पे बैठा हुआ हूँ.